तो नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आज हम तुंगारेश्वर का एंजॉय लेने आए बारिश में। एक बार हम लोग फिलहाल वीडियो बना चुके थे वो विदाउट बारिश का था, लेकिन इस बार बारिश के मौसम में देखो कितना ट्रॉफिक और कितना जगहदार, एकदम बोले तो एकदम जबरदस्त सीन है। इस बार हम आपको बारिश का एंजॉय दिलाएंगे और तुंगारेश्वर का मजा दिलाएंगे। चलो भोलेनाथ की बस्ती में हम मस्ती में। तो दोस्तों, अगर आप मुंबई के आसपास से हैं तो अगर आप घूमने के लिए कोई जगह देख रहे हैं तो तुंगारेश्वर ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन होगा। दोस्तों, आप देख सकते हैं ठीक मेरे सामने ये गेट दिखाई दे रहा है, तुंगेश्वर महादेव देवस्थान। आप यहां से अंदर प्रवेश कर सकते हैं। अगर आप यहां से पैदल जाएंगे तो आप 10 मिनट पे पहुंच सकते हैं। अगर आप भी तुंगेश्वर आना चाहते हैं तो मैं आपको सलाह दूंगा कि आप बरसात के मौसम में आप यहां पर आए, ताकि आप भी यहां पर वाटरफॉल का भरपूर इंजॉय कर सके। अगर आप एक नेचर लवर हैं या आपको ट्रैकिंग का शौक़ है तो आप भी एक बार ज़रूर यहाँ विजिट कीजिए तुंगारेश्वर मंदिर में। दोस्तों, आपको रियली बहुत ही मज़ा आएगा यहाँ पे। अभी दोस्तों मैं पहुँच चुका हूँ तुंगारेश्वर। देख सकते हैं ठीक मेरे सामने यहाँ पर शिव भक्तों का काफ़ी भीड़ लगी हुई है। यहाँ पर बीच में गाड़ी फंस जाने की वजह से यहाँ पर आने जाने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लोग यहाँ अपने बच्चों को सर के ऊपर से बिठा कर निकल रहे हैं। दोस्तों, सावन महीने में तुंगेश्वर में लगभग 1.5 लाख से 1.5 लाख शिव भक्तों का यहाँ आना जाना लगा रहता है। बोल बोल के थक गए, लेकिन गाड़ी वाले हटा ही नहीं रहे। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि सावन का महीना चल रहा है, तो आप भी यहाँ पे भोलेनाथ का दर्शन करना ना भूलिएगा। देख सकते हैं यहाँ पे शिव भक्तों का बहुत ही भीड़ लगी हुई है यहाँ पे। आप देख सकते हैं ठीक मेरे सामने यहाँ पे एक चेक पोस्ट दिखाई दे रहा है, जहाँ पे आपको कुछ प्रवेश शुल्क भर के प्रवेश टिकट भी लेना पड़ता है और यहाँ से आप अंदर जा सकते हैं। ये मंदिर चारों ओर घने वन पहाड़ों और पानी की झरनों से घिरा हुआ है। दोस्तों, यहाँ का नज़ारा काफ़ी देखने लायक है। तो गाइस, इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगी है। कृपया करके इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए। दोस्तों, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, अगर आप चलते चलते थक गए हो तो
तो दोस्तों आप पत्थरों पे बैठकर आराम कर सकते हैं। अगर आप पैदल चल रहे हो तो आराम से चले, नहीं तो आपके चप्पल फट सकते हैं, आपके पाँव में चोट आ सकती है। अगर आपके पास स्पोर्ट्स शूज है तो आप स्पोर्ट्स शूज पहनकर ही आए। दोस्तों अगर आप इन धाराओं से गुजर रहे हो तो आपको यहाँ पे छोटे छोटे स्टॉल देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पर आपको खाने पीने की सामग्री मिल सकती है। दोस्तों मुझे लगी है भूख, मैं चला पेट पूजा करने। अगर आप कुछ हल्की चीज़ें खाना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर ककड़ी, आम की कैरी, स्टार फल, बेर भी खाने को मिल सकते हैं। पर्वतीय पहाड़ियाँ और प्राकृतिक सौंदर्यता से ही इस धार्मिक स्थान को बहुत ही अतुल्य बनाती है। अब मैं पहुँच चुका हूँ मेन गेट पे। दोस्तों गेट के आसपास कहीं बड़े रेस्टोरेंट हैं, आपको यहाँ पे भोजन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको भगवान को चढ़ाने के लिए प्रसाद, हार, माला, फूल इत्यादि चीज़ें मिल सकती हैं। ठीक मेरे दाएँ साइड में बच्चों के लिए खेलने के लिए गार्डन बने हुए हैं। तुंगेश्वर पहाड़ी पर शिव मंदिर के अलावा काल भैरव मंदिर, जगमाता मंदिर और बाल योगी सदानंद महाराज के मठ भी आपको देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों शिव जी का दर्शन करने के बाद दोस्तों मैं चला इन लहरों पे डुबकी लगाने। वैसे हमने गंगा जी में डुबकी बहुत लगाए, अब हम यहाँ लगा रहे हैं। कैसा लगा दोस्तों आपको ये? अगर आप भी एक नेचर लवर हैं या आपको ट्रैकिंग का शौक है तो आप भी एक बार जरूर यहाँ पर विजिट कीजिए तुंगेश्वर मंदिर। और मैं आपको मिलता हूँ एक नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए आप इस वीडियो को एंजॉय कीजिए। तो दोस्तों अगर आपको अच्छा लगा तो आप शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हो सके तो आप लाइक भी कर दीजिए। मिलते हैं दोस्तों। Hey kid, don't ever let them get inside your head.